जो मैंने स्पष्ट कहा है कि सरकार दिग्विजय सिंह जी चला रहे पीछे से, और जिस प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं वो नुकसान आज पूरी पार्टी को हो रहा है। जिस प्रकार से मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी के जो एक उम्रदराज व्यक्ति को बयान देना चाहिए वो इस प्रकार के बयान देते हैं, मतलब जो एक आदमी की याददाश्त कम हो जाती है ऐसी स्थिति में बयान देते हैं कि हिंदू आतंकवादियों को हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं जासूस है, तो ये क्या है, मजाक बना रखा है इन्होंने। तबादला पोस्टिंग और सब ब्लैकमेलिंग में भी आरोप लगाया, किस तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? देखिए मेरा कहना है कि अगर आपको कोई काम कराना तो ऐसी सरकार में काम तो इनके हो ही रहे, कहाँ काम नहीं हो रहे इनके, लेकिन चिट्ठी लिख के वायरल क्यों करते? वायरल करने की आवश्यकता ही नहीं, हर व्यक्ति चिट्ठी लिख सकता है, चिट्ठी लिखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात है कि आप चिट्ठी को वायरल कर रहे हो, आप बयानबाजी कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि मैं दिखाना चाहूं कि मैं पावर सेंटर हूं, तो ये पावर सेंटर नहीं दूसरा बन सकता, एक ही मुख्यमंत्री है कमलनाथ जी। सरकार को ब्लैकमेल कैसे कर रहे हैं? सरकार को ब्लैकमेल कैसे कर रहे हैं? अगर जिस प्रकार से अपने स्तर पे काम करवाते और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनवाते तो इसका मतलब ब्लैकमेल ही हुई। जिस प्रकार से नीतियों के अंदर या अपनी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट में नीतियां बदलाते हैं तो ब्लैकमेलिंग ही हुई और क्या है। सर उनके बयान से कई राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान अपने का गोवा, बिल्कुल नुकसान हुआ, गोवा की सरकार नहीं बन पाई इनके कारण, जगन रेड्डी हमारे चले गए, नुकसान आज कांग्रेस को बहुत लंबा नुकसान हुआ। पैसे कमा रहे उस पैसे का आप क्या करेंगे, उनके बेटे खुद ही मंत्री है, ऐसा कुछ आपने कहा? बिल्कुल, जिस प्रकार से परिवहन डिपार्टमेंट चला रहा है, जिस प्रकार से एक्साइज डिपार्टमेंट चला रहा है, ठीक है, अब कोई बोलता नहीं अलग बात है, लेकिन क्या कर रहे हैं खुद ही बताएं। आपका विरोध कांग्रेस पार्टी से दिग्विजय से? आपका विरोध किससे? मेरा विरोध दिग्विजय सिंह जी से, पार्टी ने सब कुछ दिया पार्टी के साथ।